बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की जान माल इज्जत और आपकी हिफाजत फरमाए, आपकी इज्जत में बरकत अता फरमाए। आज आयशाज़ किचन कॉर्नर में हम बनाने जा रहे हैं दम कीमा, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ के जी कीमा ले लिया है, मटन बीफ जो भी आप लेना चाहें। एक लार्ज साइज़ के मेरे पास प्याज है जिसे मैंने कट कर लिया है, मीडियम साइज़ है टमाटर वो भी कट कर लिया है। आधी प्याली हम दही लेंगे, एक टेबलस्पून मेरे पास लहसुन और एक टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है। ठीक है जी, पाउडर मसालों में मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और नमक आप अपने जायके के मुताबिक लेंगे। यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो कि लाल मिर्च है मेरे पास साबुत, 5 से 7 आप ले लें। धनिया है मेरे पास साबुत, ये 1 टेबलस्पून लिया है। जीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है। काली मिर्च है 1 टीस्पून ली है मैंने, 5 से 7 मैंने लौंगे लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 दालचीनी की 1 इंच की स्टिक ली है और ये चने हैं। इन सभी को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। इसके अलावा ऑयल का यूज़ होगा जो कि 1/2 प्याली के करीब होगा। तो चने भी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हमने जो है मसाले अपना ड्राई रोस्ट करके रख लिया। अब 1/2 प्याली के करीब मैं ऑयल इसमें डाला है, ये देखें 1/2 प्याली मैंने ऑयल डाला है इसमें। और जो हमने प्याज लिया था ना एक लार्ज साइज का, वो इसमें ऐड करके फ्राई कर लेते हैं। लेकिन जब ये फ्राई होता है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये इसमें ऐड कर देते हैं। नमक मिर्च हल्दी धनिया ये भी इसमें जाने लगा है। गरम मसाला हम बिल्कुल एंड में ऊपर से डालेंगे, अभी इसमें काफ़ी स्पाइसेस जैसे चले जाएंगे। अच्छा जी, ये भी चला गया। अभी जो मैंने आपको मसाले बताए थे उनको ड्राई रोस्ट कर लिया, वो भी इसमें ऐड करने लगे हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चाहें तो हाथ की मदद से और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लेकिन सारे जो अब मिक्सर हमने इसमें डाला है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसमें हम थोड़ा सा ना कोयले का दम लगाते हैं, सेंटर में इसकी कोयला रखेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कीमे में, बहुत ज़बरदस्त। कोयला हमने गर्म होने रख दिया था, उसका दम दे लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालते हैं और इसे कवर कर देते हैं। चलिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई, अब इसे हम ऐड करने लगेंगे कीमा। फ्राई कर लेंगे थोड़ा, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही जबरदस्त बनती है। अब इसे टमाटर ऐड करने लगी हूँ मैं। आपको बताया था मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर वो भी ऐड कर दिया। अभी से मैंने दही बताई थी आपको, वो भी ऐड कर देंगे। इसको डिश आउट करने का टाइम आ गया है, ये कम्प्लीटली रेडी है। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाला और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार कीमा बन के तैयार होता है। ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बहुत ही शानदार दम कीमा रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।